हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वीवो X80 प्रो की अनबॉक्सिंग और कैमरा सैंपल वाला वीडियो। अरे बॉक्स पर ढल गया। ओह, फोन कहाँ गया? याद आ गया फोन कहाँ है। ओ राइट, थोड़ा फोन को धो लिया जाएगा यार। आई थिंक नाउ इट्स रेडी फॉर द अनबॉक्सिंग। सो दोस्तों, फ़ोन तो यार देखो, हम लोग वापस ले आए हैं अच्छा खासा धो के। तो ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। और आप देखोगे तो यहाँ पर फ़ोन रखा हुआ था, इसको हम लोग हटाते हैं। तो यार ये देखो, यहाँ पर आपको IMEI स्टिकर्स देखने को मिलेंगे, इसे यहाँ रखते हैं। और ये देखो, इस साइड पार्टीशन में आपको मिलता है ये छोटा सा बॉक्स, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। सो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर है इसका सिम ट्रे और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जिसपे सार वैल्यू भी लिखी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी सार वैल्यू हेड एंड बॉडी की। उसके अलावा यार ये अच्छी चीज़ है कि देखो, एक काफ़ी बढ़िया से लेदर टेक्सचर के साथ आपको एक कवर भी मिलता है, जो इसके ऊपर बढ़िया से फिट हो जाएगा और इसका इसको बचाएगा सही, लेकिन इसका लुक भी खराब नहीं करेगा। तो ये भी आपको मिलता है। इसके बाद ये है एक सेकेंड और बॉक्स, इसके अंदर देखते हैं यार अपने को क्या क्या मिल रहा है। तो एक इसकी USB टाइप सी केबल है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे स्मॉल मीडियम लार्ज साइज ईयर टिप्स हैं। हेडफोन्स जो है वीवो के यार ये बढ़िया होते हैं, ये भी आपको मिल रहा है। USB टाइप सी है। और इस साइड पे अगर हम देखेंगे सो आपको मिलता है इसका ये चार्जर, जो कि यार काफ़ी बड़ा है, जिसको आप किसी को फेंक के मारोगे तो पक्का वो निकल सकता है। फ्लैश चार्जिंग यानी कि 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग जो ये सपोर्ट करता है, ये आपको सब बॉक्स में मिलेगा। अब बात करते हैं फ़ोन की। तो दोस्तों, इसकी जो खासियत है फ़ोन की वो है इसका कैमरा, आप देख सकते हो। पर यार इसका डिस्प्ले भी काफ़ी तोड़ है। तो यार पूरा स्टेप बाय स्टेप हर एक उसमें यू नो हम लोग आस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले यार ये देखो, मैं आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का डेमो ही दिखाया था, आप देखो क्या फटाक से होता है और रजिस्टर भी ना एक बार में हो जाता है। वैसे ही फेस अनलॉक का डेमो भी आप देख लो यार, ये देखो क्या फास्ट है। तो ये आपको मैंने बता दिया। डिस्प्ले की बात कर लें तो यार आप देखो 6.78 इंच का आपको एमोलेड 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसका जो PPI है वो है 517 और 1500 निट्स ऑफ आपको ब्राइटनेस इसमें देखने को मिलेगी। वैसे ही स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात कर लें तो आप यहाँ पर ये देखो 120 हर्ट्ज पे मैंने इसे सेट करके रखा है और यही आपको सबसे हाईएस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वैसे ही इसकी परफॉर्मेंस की भी बात कर लें तो यार इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 8th Gen 1 प्रोसेसर, जो कि 4nm फैब्रिकेशन पे काम करता है। अभी इसका गेमिंग भी मैं आपको करके बताऊंगा। सो यार पहले कंटिन्यू रखते हैं हम लोग अपना। तो आपको डिस्प्ले मैंने बता दिया, बेजल्स आप देखो कितनी कम है, बहुत ही बढ़िया लगता है। राइट स्पाइन पे है वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन। इस साइड पे आपको कुछ नहीं देखने को मिला एंटीना बैंड से। ऊपर की तरफ आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल फोटोग्राफी और नीचे है सिम ट्रे, USB टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल्स। पीछे आप देखो मैट फिनिश के साथ आता है वीवो के ब्रांडिंग। कैमरा मॉड्यूल आप देख सकते हो जो कि 50, 48, 12 and 8 megapixel का, जो कि अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का गिम्बल पोर्ट्रेट है और 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप आपको जो लेंस है वो देखने को मिलेगा। वैसे ही 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा और 4700 mAh की इसमें बैटरी है, जो कि 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। और रही बैटरी की बात तो आप यहां पर देख लें, आपको ये यहां पर ना ये बता रहा है कि भाई किसने चला लिया। और वैसे ही बैटरी सेवर मोड में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, बैटरी परसेंटेज आप इस तरीके से ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको बैटरी के बारे में मैंने बता दिया है। सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड 12, जो कि फ्रंट टच OS के आपको साथ देखने को मिलेगा। और एंड्रॉयड 12 भी यार मैं आपको एक बार ना फटाफट से यहाँ पर जाके दिखा देता हूँ। तो आप ये देखो फ्रंट टच OS 12 आपको दिखेगा और एंड्रॉयड 12 भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यार देखो, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन बहुत कुछ बताया बचाने के लिए क्या बात है। सो सबसे पहले पबजी के ऊपर जाते हैं। सो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो गेम जो है यार वो अपना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप अगर FPS देख लोगे सो आप ये देखो भैया, स्मूथ पे एक्सट्रीम, बैलेंस पे एक्सट्रीम, HD पे एक्सट्रीम, HDR पे एक्सट्रीम, अल्ट्रा HD पे भैया आपको मिलेगा अल्ट्रा, जो कि है भाई यहाँ पर देखो 40 FPS आपको मिलेगा। लेकिन सबसे हाईएस्ट फ्रेम रेट मिलता है स्मूथ पे एक्सट्रीम, और इसी पे मैं आपको ये वाला जो गेम टेस्ट है ये करके दिखाने वाला हूँ। और यार मैं आपको बता दूँ, मैंने इसमें ना काफ़ी डिटेल में अपनी गेमिंग वगैरह या मतलब मैंने घंटों की ऑलमोस्ट नहीं करते, 6 घंटे के आसपास ही गेम की, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यार फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होता है, परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी सही है, ठीक है ना। और अभी मैं आपको बोलते ना कि जायरोस्कोप कैसा काम करता है और स्पीकर कैसे हैं, वो तो मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। सो आप ये देखो यार, सबसे पहले जायरोस्कोप की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जाओ एडवांस कंट्रोल्स में और ये देखो जायरोस्कोप कर दिया है मैंने ऑन।
तो अगर आप देखोगे किसी टाइप का आपको कोई डिले देखने को नहीं मिलता है, आप आराम से भैया अपना जो जायरोस्कोप यूज़ करके बढ़िया तरीके से अपने गल्स निकाल सकते हो। वैसे ही जैसा मैं बता रहा हूँ कि यार आपको ना स्टेबल फ्रेम रेट भी आपको मिलेगा, गेमिंग आपको बड़ी ज़ोरदार लगेगी, फ़ोन आपको किसी तरीके से निराश नहीं करेगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि भाई 8th Gen 1 आपको जो प्रोसेसर है वो इसमें देखने को मिलता है। भैया वैसे ही मैं आवाज़ फुल कर देता हूँ, आप ये देखो स्पीकर की है क्वालिटी बहुत बढ़िया है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, डिस्प्ले बढ़िया है, 120Hz इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो भाई ऑल इन ऑल अगर आपको इसका डिटेल एकदम गेमिंग रिव्यू देखना है आप मुझे बताना यार, मैं आप लोगों को उसको भी लेके आ जाऊँगा आपके लिए पूरा बकायदा, ठीक है। लेकिन गेमिंग आपको करने में से मज़ा आएगा ये वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। किसी तरीके से आपको कोई शिकायत नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इवन फ़ोन जैसे मैंने बताया कि गर्म भी कम होता है, क्योंकि इसके पहले मैं जितने ही फ़ोन में स्नैपड्रैगन 8th Gen पे खेला था तो कहीं ना कहीं मुझे जो हीटिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों यार देखो गेमिंग मैंने आपको काफ़ी क्विकली करके बता दी है, स्पीकर के बारे में बता दिया है, स्पीकर काफ़ी लाउड है, बढ़िया है, फ्रेम रेट आपको स्टेबल मिलता है। सो दोस्तों गेमिंग तो आपने देख लिया यार, एक बार एंटीट्यूड स्कोर भी आप फटाफट से देख लो, ये इसका एंटीट्यूड स्कोर है जो कि काफ़ी सही है और काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी भारी भी है, ठीक है ना। सो यार एंटीट्यूड स्कोर बता दिया, परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी, पर जो इसकी खासियत है वो है इसका कैमरा। तो आओ यार अब कैमरा सैंपल्स को भी एक बार देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स कैमरा सैंपल्स तो आप लोगों ने देख लिए और यार डेफिनेटली आपको अच्छे लगे होंगे। फ्रंट कैमरा थोड़ा और बेटर हो सकता था पर वैसे भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है ना। अब बैटरी की बात करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को पूरी बता चुका हूँ, 4700 mAh की बैटरी थी, 80W की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। सो यार ऑल इन ऑल अ वेरी गुड फोन, या बोलूँ एक बहुत ही बढ़िया फोन फ्लैगशिप कैटेगरी का वीवो की तरफ से, Vivo X80 Pro। अब आप मुझे बताओ आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और ये फोन कैसा लगा, इसके लिए कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।